नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के 10 सुपर फास्ट खबरों की। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वे राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो गए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। बागपत की शहर कोतवाली क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आया है। यहां हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका दोस्त अभी भी लापता है, जिसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही युवकों ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें एक युवक की हत्या हो गई जबकि एक युवक लापता बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी अजय कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी की गिरफ्तारी की बात की, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जो रक्षाबंधन के अवसर पर हवन कराने के लिए यहाँ पंडित को बुलाने आया था, तो जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर कुछ लोगों ने घेर करके उसकी हत्या कर दी। अभी तक कितने मुकदमे हैं? अभी इसकी जानकारी हमें नहीं, जानकारी की जा रही है। उसका एक साथी भी है जिसका बताया जा रहा है कि अपहरण कर लिया गया है। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसका एक साथी और था जो इस समय यहाँ पे नहीं है, तलाश कराई जा रही है। संभल से लाइव मार पिटाई की पहली तस्वीर चंदौसी के घटिया गेट में क्वारंटीन सेंटर के पास से आई है, जहाँ दो युवक भिड़े हैं और जमकर मारपीट हुई। लोग मार पिटाई करते देखते रहे, पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि घर के आगे बैठने से मना करने पर जमकर मार पिटाई हुई। लाइव पिटाई की दूसरी घटना बहजोई कलेक्ट्रेट के सामने से आई है, जहां डीएम और एसपी समेत जिले के तमाम अफसरों के दफ्तर हैं। यहां एक युवक को दो युवकों ने जमकर पीटा। पिटने वाला युवक माफी मांगता रहा, लेकिन मारने वाले दोनों युवक उस पर चाटे, घुसे और लात बरसाते रहे। जब कोई बस ना चला तो पिटता युवक जान बचाकर भाग गया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि जिले में लोगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है और ना ही पुलिस कहीं नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विजिट के दौरान एसपी आदित्य प्रकाश वर्मा कासगंज जनपद के होडलपुर गाँव पहुंचे, जहां उन्होंने फोर हत्याकांड के परिजनों से मुलाकात की और मृतकों की बहनों से मुंह बोले भाई बतौर राखी बंधवाई, और उन्होंने हर संभव हत्या आरोपियों को कड़ी सजा और मृतकों के परिजन को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। एक तो यहां से पूरा व्यवस्था देखना, हमारी सिक्योरिटी फोर्स भी लगी हुई है और गार्ड भी लगी हुई है, कोई समस्या तो नहीं है। इससे हम जानकारी करने के लिए हमारी बहने और अखबार में बड़ा हृदय विदारक लिखा भी हुआ था कि मेरा एक भाई चला गया, मैं किसके राखी बांधूं, अगर मेरे राखी बांधे तो आपत्ति बात। बागपत में बेखौफ शराब तस्करों का आतंक देखने को मिला, जहां हरियाणा यूपी बॉर्डर पर मुखबिर की सूचना पर शराब तस्करों का पीछा कर रहे चौकी इंचार्ज व एक सिपाही पर तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कराया गया है। वहीं सिपाहियों पर हुए जानलेवा हमले की सूचना पर मौके पर एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं वारदात के बाद फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आगे थे हम लोग, पीछा करते रहे, जब फैजपुर निनाना से आगे एक स्कूल है, वहाँ निकले तो उसने संभवतः जानबूझ के साइड दी। हमने रिवाल्वर भी निकाली, उससे पहले मैंने कहा इसके टायर में गोली मार दें, रुक जाएगी, लेकिन तब तक उसने साइड मार दी मेरी मोटरसाइकिल में और वो गाड़ी वाला भाग गया। हम लोग खद्दी में गिरे, पैर टूट गया। इसी बीच उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक गाड़ी ग्रांड आई-10 कार से अवैध शराब ले जाई जा रही है। उन्होंने इस सूचना पर गाड़ी की चेकिंग करने के लिए अपनी फोर्स लगाई, सामने से गाड़ी आई और वो बैरियर तोड़ करके निकल गई। इस पर उन्होंने उसका पीछा किया, आगे जा करके खेड़ा हटाने के पास जैसे ही इन्होंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, गाड़ी इनको टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट पर है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी लगातार शहर में सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले एडीजी जोन व एडीजी कानून व्यवस्था सावत ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर साकेत महाविद्यालय में बन रहे हेलीपैड, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर व अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उनके साथ जिला अधिकारी, आईजी रेंज, डीआईजी, एसपी व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एसपी जी के साथ मिलकर हम लोगों ने जायजा भी लिया और उसके साथ साथ जो हमारा व्यवस्था ऑलरेडी अयोध्या में है उसको काफी अपग्रेड किया गया है और आने पाने पर भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग विभाग के बाहर प्रतीक के रूप में खड़े फाइटर प्लेन को बेचने के लिए किसी ने सोमवार को ओएलएक्स पर एक विज्ञापन डाल दिया। इसकी जानकारी मिलते ही इंतजामिया ने मामले की जांच शुरू करा दी, हालांकि कुछ देर बाद विज्ञापन हटा लिया गया। गोरखपुर के सुमेर सागर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अपनी क्लिनिक को ढाहे जाने के बाद डॉक्टर आर्यन सिंह ने मलबे पर ही कुर्सी रखकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। ये डॉक्टर आर्यन सिंह वही हैं जिन्होंने साल 2005 से 2017 तक इंसोफेलियाइटिस उन्मूलन के लिए गोरखपुर बस्ती मंडल में अभियान चलाया था और उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मांगों को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों में खून से खत लिखने का सिलसिला चलाया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन करने के बाद भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए करीब 175 लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर भूमि पूजन के संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले व ट्रस्ट के सदस्य को यहाँ आने का न्योता क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर चंपत राय ने कहा कि सभी से टेलीफोन पर बात हुई और बिना किसी के माध्यम से सीधे संपर्क किया गया। सूची काफी सोच समझ कर बनाई गई है। साधन, उम्र, कोरोना और मान्यताओं जैसी चतुर्मास का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें नहीं बुलाया जा सका उनसे व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 सुपर फास्ट खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की सभी खबरों के साथ अब उत्तर प्रदेश की खबरों से भी आप रह सके अपडेट।